क्या आपके पिता की ओर से ही मंडियों के बाहर इस बारे में मांग की गई थी कि किसान अपनी फसल को बेच पाए, तो फिर क्यों है आपत्ति अब आप लोगों को? देखो इसमें क्या दिया है कि मंडी में टैक्स रहेगा और मंडी के बाहर टैक्स फ्री होगा, तो मंडियां तो खत्म हो जाएंगी थोड़े से दिनों में। हमने ये कहा कि जब MSP बन जाएगा, किसान मंडी के बाहर बेचो, किसान मंडी के अंदर बेचो। आप MSP को है जी, मैं ये कह रहा हूँ मंडियों पे, मैं कहा कि MSP को इसमें जोड़ दो ना। बोलिए बोलिए जी, आप एक एक करके हम बोलेंगे MSP, तो बात समझ में MSP पे हाँ। क्या दिक्कत है सरकार को? MSP अगर बन जाएगी तो कोई भी प्लेयर आएगा, वो आएगा कंपटीशन में, और ये होगा कि उससे कम पे वो बोली नहीं लगाएगा। आप वो बनवा दो, मंडी के बाहर बिकागा या मंडी के बाहर अंदर बिकागा, किसान हो जाएगा तैयार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे तो बनवा दो ना पहले, सरकार जो ड्राफ्ट है सरकार लेकर तो आ जाए। सरकार अभी नहीं, आप लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं ना, कि पॉइंट वाइज आप सुझाव दीजिए, तो आपके वो कौन से बड़े दो सुझाव? सरकार पूरे के पूरे कानून को निरस्त करना ही एकमात्र आप विकल्प मान रहे हैं, या कुछ सुझाव भी आपकी ओर से दिए गए हैं कि इसको अमल में लाकर संशोधन किया जाए? देखो पूरे किसान संगठन का अब ये है कि ये बिल वापसी हो जाए, सुझाव पर वहां पर कोई बात नहीं हो रही, बिल वापसी हो जाए दोबारा फिर बना देंगे। अच्छा, मतलब बिल वापस हो जाए दोबारा फिर से बना देंगे, एकमात्र आपकी यही मांग है। राजवीर कौर जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोग खिलाड़ी भी और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब अवार्ड वापसी की बात यहां पर करनी शुरू कर दी है। बॉक्सर विजेंदर आज पहुंचे थे किसानों का समर्थन करने के लिए, उन्होंने कहा है कि कानून वापस नहीं होता तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मैं वापस कर दूंगा। इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं, और सरकार भी तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर ही रही है? बिल्कुल जी, इनको सरकार को ये सब मांग लेना, आप इनकी जो बातें हैं वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि देखो किसान 4-5 महीने से टोल प्लाजा स्टेशनों पे बैठा हुआ है, तो अभी उनको पहले ही उन्होंने अपना बोल दिया था कि 25 तारीख को हम दिल्ली सारा काफला लेके जाएंगे और बहुत शांतमई ढंग से जाएंगे, और उन्होंने पे ये जो रास्ते में हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, वो किस वजह से किया हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तशद्दुद किया गया उनपे, और उसकी वजह से देखते हुए हम लोगों ने सबने यही प्रण लिया कि अगर हमारे बुजुर्गों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं जो हमारी खातर हमारा पेट पाल रहे हैं और उनके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, तो हमें ये जो इतने बड़े बड़े मान सम्मान मिले हुए हैं उनको हमारे पास रखने का कोई हक नहीं बनता, इसलिए हम लोगों ने भी हमारे किसानों का अन्नदातों का साथ देने का प्रण कर लिया है। आप लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि आप किसानों के साथ रहेंगे और अवार्ड जो मिले हैं आप लोगों को उसको वापस किया जाएगा। करतार सिंह जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? बिल्कुल जी, जब 5 करोड़ आदमी इससे अफेक्टेड है, दुखी है, मैं समझता हूँ कि 80 करोड़ आदमी 80% लोग जो है ये चाहते हैं कि जो किसान के ये कानून लाए हैं बरखिलाफ हैं। पहली तो बात इनको डिस्कस करनी चाहिए थी किसानों के साथ, जिनके पलेगा काम कर रहे हैं उनसे पूछना तो चाहिए आपका भला कैसे हो सकता है, और सबको ये ऐसे डिस्कस करके कानून बनाने चाहिए थे। यहाँ तक इतना नुकसान हो गया, 6 महीने से किसान धरने दे रहे हैं, आन के पानी की बिछारे खा रहे हैं, ये सारा कुछ देखते हुए हमने 30 तारीख को फैसला किया था कि हम ये जो हमारे बड़ों की इज्जत तक नहीं हो रही, हमारे जो जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है पद्मश्री अर्जुन अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड लेने के लिए, ये लोगों का जो पेट भरते सारी दुनिया का, हमें वो दूध पिलाते हैं, सारा खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं और उसको स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, जगह जगह टूर्नामेंट कराते हैं और कई कुछ हमारी मतलब आपका भी यही कहना है कि सरकार नहीं मानी तो आप अपना अवार्ड वापस कर देंगे, आपने भी यही कहा? बिल्कुल जी, 100% सारे हमारे पंजाब के 30 प्लेयर हैं जो द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड सारे वापस कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, आज बजिंदर जी भी आके वहां अनाउंसमेंट की है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।